साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय मैं लगातार सोशल मीडिया पे अलग अलग अपडेट्स पढ़ने के बाद आप लोगों के बीच में डिस्कस करने की इच्छा से लेकर के आया हूं। विषय है अधिकारों की लड़ाई, जिसे देखिए वो अपने अधिकारों की जंग में उतरा हुआ है। कोई ये समाज, कोई योग कम्युनिटी, कोई इधर से, कोई उधर से, ये चाहिए, वो चाहिए, सरकार हमको ये नहीं दे रही, सरकार हमको वो नहीं दे रही। जब भी मैं दुनिया के इतिहास में जाकर के देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि दुनिया के इतिहास में वही कम्युनिटीज, वही समुदाय, वही लोग सफल हुए, उन्हीं लोगों ने ही दुनिया पे विजय प्राप्त किया जिन्होंने क्राइसिस में लड़ना सीखा। चाहे वो चंगेज खान हो, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो अशोक हो, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे वह शिवाजी हो, चाहे वह संभाजी हो, दुनिया के जितने भी महान लोग निकले उन्होंने क्राइसिस में लड़ना, क्राइसिस में लोगों को इकट्ठा करना, क्राइसिस में लोगों की जरूरत को समझने की एक कला डेवलप की। एक बहुत अच्छी कहानी है, और कहानी है कि कोई एक सर्कस था। सर्कस में बहुत सारे शेर थे जो अलग अलग करतब दिखाते थे। धीरे धीरे वो शेर बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के नाते अब वो करतब नहीं दिखा पाते थे। सर्कस के मालिकों ने डिसाइड किया और किसी भयानक बड़े जंगल में जाकर उन दसों शेरों को छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद पता चला कि अधिकतर शेरों को जंगली कुत्तों ने मार के खा लिया, क्योंकि इन शेरों को शिकार करने की आदत छूट चुकी थी। अब ये शेर इनके सामने अगर मांस का लोथड़ा फेंका जाता था तो उसी को खा के काम चलाते थे। इनको शिकार करने की आदत नहीं रही थी। एक दूसरी भी कहानी इसी तरह की है। एक शेर अपने पिता और अपने वंशजों की बनाए हुए जंगल में आराम से राज करता था, लेकिन उसने अपने दम पर कोई बड़ा काम नहीं किया था। एक दिन बकरी के मेमने और बकरी आपस में सोचने लगे कि अब शेर में जंगल में इतने सारे शिकार बचे नहीं हैं, अब कभी भी हमको शेर मार के खा जाएगा। और वो जिस जगह पे थे वो शेर के इलाके में लगभग था। बकरी ने बुद्धि लगाई और वो शेर के जो अड्डा है, उसका जो गुफा है, उसमें आकर के छिप गए। जब शेर लौटा तो पेड़ पर से बंदर ने शेर को इन्फॉर्म किया कि गुफा के अंदर बकरी और बच्चे छिपे हुए हैं। शेर को विश्वास नहीं हुआ। शेर ने बोला, तो मजाक कर रहे हैं, कोई शिकार भले मेरे शिकार थोड़े ही मेरे गुफा में आकर के छिपेगा। बंदर ने बोला कि नहीं, अब जाकर देखो। जब शेर अंदर गया तो अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से मेमनों ने बकरी से कहा, मां आज तो शिकार आएगा, शेर को मार करके खाएंगे, नोच नोच कर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। शेर सुनने के बाद बाहर आ गया गुफा से और बंदर को बोला कि अंदर तो कोई बहुत भयानक जानवर है, वो तो मुझे मार के खाने की बात कर रहे हैं। बंदर बोला, चिंता की बात मत करो, अंदर बकरी है और बकरी के बच्चे हैं। शेर बोला, बिल्कुल नहीं, बकरी में इतनी हिम्मत कब से आ गई कि वो शेर को मार के खाने की बात कर सकती है, और बकरी हो ही नहीं सकती अंदर। बंदर ने वापस उसको कन्विंस किया। शेर ने इस शर्त पे अंदर जाने के लिए तैयार हुआ कि तू भी मेरे साथ आएगा, और बंदर जो है शेर के ऊपर बैठ गया और दोनों अंदर गए। लेकिन शेर को डर लगा हुआ था, तो शेर ने क्या किया, भालू की तरह दोनों पांव पीछे करके मुंह गुफा के बाहर की साइड में रख करके और उल्टे पांव अंदर घुसा, ताकि अगर हमला हो तो भाग सके। जब अंदर घुसा तो स्क्रिप्ट के हिसाब से बकरी ने मेमनों से कहा, देखो मैंने बोला था ना बंदर मामा, देखो शेर को ले आए, अब शिकार करेंगे, अब मजा आएगा, मिल करके खाएंगे। शेर को पता चल गया कि ये बंदर की बिछाई हुई चाल है, और शेर जोर से वहां से भागा और ऊपर से बंदर गिरा, लंगड़ा हो गया टूट करके, और शेर ने अपनी जान बचाई। बहुत बार ऐसा होता है जीवन में कि हम अपने संतानों के लिए, अपने लोगों के लिए इतनी प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में, उनके भविष्य को सुनिश्चित और सुरक्षित करने के चक्कर में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते सोचते हम वर्तमान को स्पॉइल कर लेते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अब वक्त है अपने आप को
और अपने पीढ़ियों को खूब सारा तैयार करने के लिए, उनको मेहनत करने के लिए तैयार करने के लिए, उनके लिए हम फूलों का रास्ता ना बिछाएं, उनके लिए हम कांटों का रास्ता बिछाएं, क्योंकि स्पीड कांटों के रास्तों पे होती है, जिस पे दिक्कतें होती है वहां पे स्पीड होती है। गर्म जलते हुए रोड पे जब आप नंगे पांव चलिए तो आपकी स्पीड होती है, ठंडे रोड पे स्पीड नहीं होती। जिस रोड पे फूल बिछे हैं उस पे स्पीड नहीं होती। तो अगर आपके अपने बच्चों को कामयाब करना है, आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों को इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में दैदीप्यमान करना है, तो अपनी पीढ़ियों को मजबूत बनाएं, उन्हें क्वालिफाइड बनाएं, उन्हें इतना सक्षम बनाएं कि अगर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है 1 लाख के बीच में, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करें। पृथ्वीराज चौहान से सीखें, आंखें नहीं थी, एक तीर चलाने का मौका मिला और एक तीर दुश्मन का बदला लेने से न चूकी। अपने आप को इतना सक्षम बनाएं, अपने आप को इतना समर्थ बनाएं कि हमको किसी भी सरकार, किसी भी व्यवस्था, किसी भी तंत्र और किसी के भी मदद या किसी के भी सपोर्ट की आवश्यकता ना बने। मैं बहुत बार बहुत सारी कम्युनिटीज को देखता हूँ, भारत में ही पंजाबी सिख लोगों को देखता हूँ, सिंधी लोगों को देखता हूँ, जो पंजाब से 1947 के डिवीजन के बाद भारत में आकर के अलग अलग जगहों पे बसे। मैंने देखा है, मैं आज भी सिंधी लोगों के बीच में रहता हूँ, मैंने देखा है रात दिन एक करके परिवार को इकट्ठा करके वो बिजनेस में इस तरह से लिप्त रहते हैं, इस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, उनको किसी भी तंत्र की, किसी भी मदद की आवश्यकता नहीं रहती, उन्होंने अपनी जमीन खुद तैयार की है। सिखों ने आधा कनाडा के ऊपर अपना वर्चस्व बना के रखा हुआ है। दैट इज द पावर ऑफ कल्चर, दैट इज द पावर ऑफ ग्रूमिंग। हम दुर्भाग्य से अधिकतर समय अधिकारों की भीख, अधिकतर समय अपने जरूरतों की भीख मांगते मांगते सरकार के सामने एक समर्थ और सक्षम समुदाय के बजाय एक भिखारी और एक कमजोर समाज के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह वक्त है उन महापुरुषों से सीखने के लिए कि हम किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाएं और आने वाले वक्त में ज्यूस से सीखें, जिनके सामने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका एक शब्द और एक लफ्ज नहीं बोल पाता। उन्होंने अपने आप को अपने बिजनेस पावर के बल पे, अपने दक्षता के बल पे अपने आप को एक मजबूत कम्युनिटी ऐसे लेवल पे बनाई है कि इसमें इज़राइल जिस दुनिया के देश को सपोर्ट कर दे वो देश अपने आप को भाग्यशाली मानता है। हम अगर सीखना चाहते हैं तो हम सीखें पारसी लोगों से। कितने लोग हैं कम्युनिटी में, अगर गिनने जाओ तो चंद लाख उनकी पॉपुलेशन होगी, पर देश में जितनी उनकी पॉपुलेशन नहीं है उससे कई गुना ज्यादा लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। उससे कई गुना लाख में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो उनकी प्रॉपर्टी है। ये होता है मेहनत। आए किस पे थे? कुछ नहीं था जब वो जहाज लेकर के भारत में पहली बार शरण लेने के लिए आए थे, और आज जितना लेकर के आए थे उसमें मैं जितना मिलियन काउंट करूं उतना कम। हमने सही सीख लेना बंद कर दिया है, यह हमारा दुर्भाग्य है। अगर हम उनकी संतानें हैं जिन्होंने सही में कुछ पुरुषार्थ किया था जंगलों में रह करके, वीर भूमियों में रह करके, तो वक्त है उस सामर्थ्य को जागृत करने के लिए कि हम वापस अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि तंत्र, समाज, संस्था और सरकारें हमारे इशारों पर चले, न कि हम उनके भीख और उनके किसी भी तरह के अधिकार प्रदान करने के माध्यम से चले। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी, मैं अपने उन सारे व्यक्तियों से निवेदन करना चाहता हूं जो लोग भी किसी भी तरह का चित्र विचित्र डिमांड सरकार से रखते हैं, अगर आपके पास दोनों हाथ हैं, दोनों पांव हैं, दोनों आंखें हैं, शरीर आपका सही सलामत है, आपके शरीर के ऊर्जे पुर्जे दुरुस्त हैं, तो अपने सामर्थ्य के बल पे, अपने क्षमता के बल पर अपने आप को खड़ा करें, न कि किसी भी तरह की एक्स वाई जेड डिमांड लेकर के और अपने आप को, अपने वजूद को बचाने की आप आग्रह रखें। धन्यवाद।